बी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना मित्रा। दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, तो उधर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को लंच डिप्लोमेसी करेंगे। बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ जारी कलह के बीच यहाँ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरी इलाकों में लंच के लिए बुलाया। तो यहाँ आपको बताते चले कि इसके अलावा अकाली दल में शामिल होने से पहले वो अस्पताल में भर्ती हुए और बटाला से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अश्वनी सेखड़ी को भी लंच पर बुलावा भेजा गया है। कुछ पुराने नेताओं को सीएम अमरिंदर ने लंच पर आने के लिए फोन कॉल करवाए हैं। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि यहाँ लैब में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है, जिसके बाद इस वेरिएंट का इंसानों पर होने वाले असर का साफ तौर पर पता लगना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ चूहों की एक प्रजाति को डेल्टा प्लस से संक्रमित किया है। कोरोना के डबल म्यूटेशन से निकले डेल्टा और फिर उसमें से बाहर आए डेल्टा प्लस के बारे में काफी सीमित जानकारी है। यह वेरिएंट किस तरह कार्य करता है, इंसानों पर इसका क्या कुछ प्रभाव है और कितना प्रभाव होता है, इन सब के बारे में अब तक वैज्ञानिक तथ्य प्राप्त नहीं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की पकड़ में आया है डेल्टा प्लस। अब वैज्ञानिकों की पकड़ में आता हुआ डेल्टा प्लस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कोरोना का दूसरा स्वरूप डेल्टा प्लस है और अब फिलहाल उस स्तरीय लैब में इसका कल्चर देखा गया है। और यात्रियों की बात कर लेते हैं। यात्रियों के रहा आसान करने के लिए अब बृहस्पतिवार को कई ट्रेनों पटरी पर दौड़ेंगी और बताया जा रहा है कि रेलवे आरक्षित ट्रेन के साथ कई अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी बहाल करने जा रहा है। कोविड काल में थमी ट्रेनों के चलने से यात्रियों की राह अब आसान हो जाएगी। हालांकि ये सब ट्रेन विशेष श्रेणी की हैं। बताया जा रहा है कि अब लोकल ट्रेन भी पटरी पर वापस लौटेंगी। दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जगहों की पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी पर लौटने से यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो यहाँ रेलवे विभाग ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको बताते चले कि यहाँ कामकाज करने वाले लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी और हीरा कारोबारी महेश रसवानी पर हमला हुआ है। आपका यहां ये आरोप है कि यहां हमला बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से किया गया है। गौर हो तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसी को लेकर आप नेता पूरे गुजरात में प्रचार अभियान चला रहे हैं। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान और एक गांव जनसंपर्क अभियान के तहत गए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी थे। आरोप ये है कि नेताओं पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि ये हिंसा आपकी बौखलाहट है, आपकी हार है। आप नेता इशुदान गढ़वी ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि हमले में 6 से 7 गाड़ियों के कांच टूटे हैं और आप कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है और जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम विजय रूपाणी से बात कर इस घटना को लेकर FIR दर्ज किए जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। उधर हरियाणा की बात कर लेते हैं। यहाँ फरीदाबाद से खबर सामने आ रही, जहाँ मैकेनिक को गोली मारने के बाद पीड़ित परिवार अब पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो यहाँ इस मामले में महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ काफी दिनों के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि पीड़ित परिवार का यहाँ ये आरोप है कि पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने जब परिवार से मिलने पहुंचता है तो बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उधर परेशान होकर पीड़ित परिवार कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या मामला है? मामला है, मेरे पिताजी को गोली मार दी गई है। हम यहाँ सबसे चक्कर काट रहे हैं, हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ आते हैं, ये कह देते हैं आपका केस आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ से जाते हैं तो वो कह देते हैं आप कर रहे हैं कार्रवाई, पर उनका आरोपी को उठाया नहीं जा रहा। फिर उन्होंने गोली लगवाई है। कौन है आरोपी? गोली मारी थी, पैसे के लिए गोली मारी थी, पैसे मांग रहे थे फरौती।
वहाँ के आरोपी हैं, क्या नाम है? तिहान के आरोपी हैं, मारने वाला है नदीश और जिन्होंने गोली चलवाई है उनका नाम है नंदू और मंदू। पुलिस की तरफ से कोई मदद आपकी हो पाई है? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, पुलिस के पास जाते हैं जो ऐसे कह देते हैं अपनी कार्रवाई चालू है, वो कुछ पैसे खा रही है कुछ काम। कितने आरोपी को अरेस्ट कर पाई है पुलिस? एक को कर पाई है, दोनों को नहीं कर रही। क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन? क्या कहते हैं प्रशासन? कहती है हम काम कर रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आज सीपी ऑफिस पहुंचे, क्या आश्वासन मिला कुछ? सीपी ऑफिस पे हम आ चुके हैं कई बार, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा हमको, कोई समाधान नहीं हुआ। क्या चाहते हो फिर आप? हमको इंसाफ चाहिए, खूनों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने हमारे साथ पिताजी को मदद किया। उधर यूपी के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज के वर्तमान संकट पर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें कि यहां प्रेस वार्ता कॉलेज के कैंपस में आयोजित की गई। वार्ता में छात्रों ने कॉलेज की गिरती हुई गरिमा प्रतिष्ठा पर बातचीत की, साथ ही साथ कॉलेज की मूलभूत समस्याएं जैसे कि महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास का जीर्णोद्वार समेत तमाम गंभीर मुद्दों पर बातचीत की गई। उधर कॉलेज प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार तक अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। हॉस्टल, महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास का जीर्णोद्धार कराएं, साफ सफाई कराएं और जैसे ही कॉलेज खुलता है काउंसलिंग के समय छात्रावास का भी फार्म दें जिससे कि छात्रावास में बच्चे रह सकें। अगर अभी आप इसके लेकर किसको ज्ञापन वगैरह देंगे, क्या है ये ज्ञापन? हम अभी प्राचार्य महोदय को देंगे, माननीय DM के महोदय से, DM के हवाले से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर मान लीजिए कि इस पे कुछ नहीं होता है तो फिर आगे क्या? यदि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जैसे काउंसलिंग होगा, यदि हॉस्टल का फार्म नहीं देंगे हम लोग काउंसलिंग रोक देंगे, किसी कीमत पे काउंसलिंग नहीं होने देंगे जब तक कि वो छात्रावास का फार्म नहीं। उधर पूर्व मंत्री CV शनमुगम की शिकायत के आधार पर AIDMK के पूर्व नेता VK शशिकला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए धमकी देने के आरोप पर शशिकला और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री ने 9 जून को रोशनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी और आरोप ये लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शशिकला को पार्टी में फिर से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने को लेकर एक बयान जारी किया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात कर लेते हैं जहां कोसी कला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने चोरी की 15 बाइक, 2 तमंचा, 4 चाकू बरामद की है। बताते चले कि कोसी कला पुलिस को मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में छुपे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर छापा मारा और पुलिस को मौके पर 8 बदमाश मिले जिनको पकड़कर पुलिस थाने ले आई। थाना कोसी कला पुलिस द्वारा 8 अपराधियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर एवं एक बंदूक मैक कॉटेज बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम गुलशन, अंकित, सौरभ, देवेंद्र, अशफाक, अनुज, जैकी एवं कृष्णा हैं जो कि कोसी कला ही के ही निवासी हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की अनेक घटनाओं की के बारे में बताया गया। उनकी निशानदेही से 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थीं। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए कठोर विधि का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं की तरफ ले चलते हैं जहां जिला पंचायत सदस्य के अवैध घर का दावा करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा गिराने की चेतावनी देने के बाद कांग्रेस पार्टी के यहां पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं और गांव ईश्वरवती के घर के बाहर धरना दिया गया है। यहाँ अध्यक्ष का ये कहना है कि बिना नोटिस के कार्यवाही क्यों कर रहा है, पुलिस प्रशासन लीगल तौर पर करनी चाहिए कार्यवाही और कांग्रेसियों ने सत्ता के दबाव में सालों बाद अवैध निर्माण बताकर मकान गिराने की कार्यवाही को बिना नोटिस गलत बताया है। उनको दबाव बनाया गया था, उनके जो परिवार की ननद हैं, उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, उनको कुछ लोग आए थे सत्ता पक्ष के, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दो वरना तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, घर कोई नहीं तोड़ देता। लेकिन पुनः 4 बजे करीब मुझे फ़ोन आया उनके दामाद कातर सिंह जी का, इस तरीके से हमारे मकान को तोड़ने के लिए
बुलडोजर आ गया है, चार थाने की पुलिस आ गई है और सारे थाने के लोग आ गए हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके SDM मौजूद थे, तहसीलदार मौजूद थे और SO उमरगांव मौजूद थे, थाने की फोर्स मौजूद थी। मैंने पूछा, मैं उस समय अकेला ही था, मैंने पूछा कि भाई आप लोग कैसे यहाँ पर आए हैं। बोले कि ये जो मकान है ये अवैध रूप से बना हुआ है, ग्राम पंचायत की जगह है, इसको हम तोड़ने के लिए आए हैं। मैंने कहा आपको लीगल प्रोसीडिंग होती है, लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आपको नोटिस देना चाहिए था, तभी आप तोड़ देंगे। अचानक आपने नोटिस दिया नहीं, आप तोड़ने को आ गए मशीन लेके। बोले नहीं साहब, चोरी, आदमी चोरी करता है तो चोर जब पकड़ा जाता है तभी चोर कहलाता है। तो मैंने कहा 25 साल से ये चोरी कर रहे थे, 50 साल से अवैध रूप से रह रहे थे तो पता नहीं था। बहरहाल उनका मतलब यह कि हम इसको तोड़ेंगे। तो हमने, हम लोग कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए, हमने कहा अगर आपको तोड़ना है तो फिर हमें भी तोड़िएगा, हमें भी जेल भेज दीजिए, जो भी हमारा काम करना। और यूपी के बाराबंकी में एक शातिर पति ने प्रेमिका से शादी करने और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए एक ऐसी साजिश रची, इसमें सभी को झकझोर रख दिया। इस शातिर पति ने प्लान बनाकर पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर अपने विरोधियों के नाम खुद ही केस दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस को जब इस कहानी पर शक हुआ तो यहां बेहद शातिराना ढंग से वो युवक फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों तक खाक छानती रही। लेकिन इस बीच शातिर निकला, इसने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिना काटमटा 9 की रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास जनपद बाराबंकी के संदरा थाना क्षेत्र में एक महिला के गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना आई थी, जिसके संबंध में थाना संदरा पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गहन छानबीन एवं तमाम विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतका के पति का नाम हत्या के अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया, जिसने 21 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। आला कतल की बरामदगी एवं अन्य तथ्यों की जानकारी है तो अभियुक्त को रिमांड पर लिया गया। आज घटनास्थल पर ले जा करके आला कतल की बरामदगी कराई गई और अभियुक्त द्वारा घटना से जुड़े तमाम अहम तथ्यों की जानकारी दी गई। पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि उसने हत्या इसलिए की कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसके साथ वो रहना चाहता था, घर बसाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की घटना को खुलासा किया है। तो यहाँ जिसमें कासिमाबाद थाना पुलिस ने चोरी की 10 बाइक समेत 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डाही पुलिस पर पड़ी मील के पास से वाहन चोरी करने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ इस मामले में चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताते चले कि बरामद जो बाइक है वो गाजीपुर, मऊ और बलिया से चुराई गई है। ये जनपद गाजीपुर के थाना कासमाबाद की पुलिस ने, इंस्पेक्टर कासमाबाद ने पता रसी करके चेकिंग के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये मोटरसाइकिलें इसमें से 7 इस जनपद की हैं, बाकी 2 मऊ और 1 बलिया की है। ये लोग शादी विवाह में मोटरसाइकिलों को वॉच करते थे और वहां पे देखने के बाद जब आदमी अंदर पार्टी में बिजी हो जाता था तो वहां से मोटरसाइकिलें डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से खोल करके और चुरा लेते थे। अभी इन मोटरसाइकिलों को इनको बेचना था कि इंफॉर्मेशन डेवलप हुई और इनको इनसे मोटरसाइकिलें रिकवर की गई हैं और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये नए सभी अभियुक्त हैं और अभी फिलहाल इनकी और छानबीन की जा रही है कि इनके कोई और साथी या इनकी कोई और क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। ये कार्य अच्छा किया है कासिमाबाद पुलिस ने, जिससे वाहनों की चोरी पे रोकथाम लग सकेगी। इनके इस कार्य के लिए इस पूरी टीम को 10,000 रुपये कैश मेरी तरफ से रिवार्ड दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर GST के विरोध में जिला अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि व्यापारियों का यहां ये आरोप है कि प्रशासन द्वारा RC काटी जा रही है, लेकिन यहां व्यापारियों को बिना जरूरत परेशान किया जा रहा है। जो व्यापारियों ने अपना GST जमा कर चुके हैं लेकिन बावजूद उसके रिटर्न में काफी ज्यादा देरी हो रही है,
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी के काम में काफी ज्यादा समस्या आ रही है और इसी समस्या को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी 17 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिला अधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग व्यापार सभा समाजवादी व्यापार सभा से हैं और आज जीएसटी के विरोध में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जो जीएसटी में व्यापारी जीएसटी के द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो जीएसटी और लॉकडाउन में जो जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं उनकी आंसी काटी जा रही है, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और जीएसटी जो जमा हो चुकी है उसके रिफंड में बहुत देरी हो रही है, इसलिए हम अपनी 17 मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को आज दिया है, डीएम साहब के जरिए। और देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर वाम मोर्चा के लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की। बताते चलें कि नारेबाजी करते हुए उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोनभद्र के रामलीला मैदान से वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए बढाली चौराहा होते हुए सदर तहसील पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और यहाँ जिला सचिव आर के शर्मा ने बताया कि देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल रसोई गैस की महंगाई को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार द्वारा डीजल गैस पेट्रोल के दामों को वापस नहीं लिया जाता तो हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। देश में जो लगातार बढ़ती महंगाई है उसके खिलाफ हमारा विरोध मार्च है और हम लोग आज इस जनपद के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। वाम मोर्चा के लोग एकत्रित हैं जो पूरे जनपद के कोने कोने से आए हुए हैं और यहाँ से हमारा जुलूस स्वर्ण जयंती चौक होते हुए यहाँ के सदर तहसील जहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को हम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे उनके द्वारा। तो पुलिस अगर आप लोगों को जाने नहीं देगी तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, हमने पहले ही इस कार्यक्रम की घोषणा कर रखी है और ये हमारा आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 16 जून से लगातार 30 जून तक का ये कार्यक्रम है, विरोध पखवाड़ा दिवस। सारे लोगों के संज्ञान में है, टीवी मीडिया अखबार के द्वारा सबको पता है और अगर पुलिस रुकेगी तो ये उन सरकार की एक तरह से नाकामी ही कही जाएगी कि हमको अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, जबकि हम जन जनार्दन और आम जनता की ही बात को लेकर के उनके सवालों को लेकर के ही यहाँ सड़क पे उतरे, हमारा व्यक्तिगत कोई इसमें अपना कोई सवाल नहीं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां गाजीपुर बॉर्डर पर भड़क उठे और प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। किसानों ने बीजेपी के प्रदेश मंत्री को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई। बीजेपी समर्थकों का यहां ये आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक यहां आपस में भिड़ गए। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे थे, यह साफ तौर पर गलत है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजनीति में अब एक और नया भूचाल आ गया है। दरअसल यहाँ 22 साल पुराने की बात कर रहे हैं। यहाँ 22 साल पुराना प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक लेटर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सतीश पूनिया के इस पुराने वायरल पत्र में उन्होंने भाजपा दिग्गज पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पत्र को लेकर कांग्रेस नेता महेश जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आइए दिखाते हैं। लेटर के बारे में मैंने कुछ मजमून पढ़ा, सतीश पूनिया जी का बयान भी पढ़ा, मतलब 22 साल पहले तो आप कुछ और कहते हो, 22 साल पहले किसी को आप राक्षस बताते हो, भस्मासुर बताते हो, 22 साल पहले आप पीठ में छुरा भोंकने की बात करते हो और आज बिना किसी कारण के वो मतभेद मनभेद कैसे दूर हो गए, सतीश पूनिया जी को ये बताना चाहिए। सतीश पूनिया जी ने उस दिन कहा वो ठीक था या सतीश पूनिया जी आज कह रहे हैं वो ठीक है, ये भी बताना चाहिए। और राजेंद्र राठौड़ साहब को तो बस अब अपने आप को ये सिद्ध करना है कि वो संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिससे संघ बढ़ने से नहीं रोके। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र राठौड़ साहब को अपना मानती नहीं, संघ अपना मानता नहीं, राजेंद्र राठौड़ साहब जबरदस्ती अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं,
जबरदस्ती अपने आप को बहुत निष्ठावान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वो नहीं सोच नहीं जान रहे हैं इस बात को कि जनता उनके एक एक एक्शन को देख रही है। वो ये उनके कहने मात्र से ये बातें भूली नहीं जा सकती। 22 साल पुरानी, चाहे 22 साल पुरानी हो चाहे 40 साल पुरानी हो, बात मुद्दे की होती है तो मुद्दे खत्म होते हैं तब बात खत्म होती है। पीठ में छुरा भोंकना क्या हो गया, अचानक सब हवा हो गए। सतीश पूनिया जी की स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है इस पत्र से जो निकला है, इसका मतलब सतीश पूनिया जी ने 22 साल पहले किसी को राक्षस कह दिया, अब उसको। और उत्तर प्रदेश सरकार में खादी और ग्राम उद्योग कैबिनेट और गोंडा के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का गोंडा का दौरा रहा। प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनगर सिंह ने बभन जोत छपिया ब्लॉक और मनकापुर का दौरा किया। बताते चले कि यहाँ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और बैठक के बाद मस्कनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उचित निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जून के महीने में 1 करोड़ का टारगेट ना 1 करोड़ का जो टारगेट था उसके हिसाब से जो भी वैक्सीनेशन हुआ। वहां से जो भी समस्या है शासन स्तर से उसका निस्तारण करते हैं, तो वो चल रहा है, मगर विकास चलता रहे यही हम लोग का लक्ष्य है। और जो विकास खंड है उसके लेवल पे विकास होएगा तो जो आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको विकास का लाभ मिलता है। सर, प्रदेश के कई जनपदों में विगत 2 दिनों से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वैक्सीन की कमी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश ने हमारा जून के महीने में 1 करोड़ का टारगेट था, 1 करोड़ का जो टारगेट था उसके लिए वैक्सीनेशन जितनी भी हमें चाहिए थी सप्लाई चेन वो प्राप्त हो गई थी, उसके आधार पे हम लोगों ने वैक्सीन कर चुके हैं, 1 करोड़ हम पहुंच चुके हैं और पहले पहुंच गए थे 30 जून के पहले। तो इसलिए जो पीछे से और वैक्सीन आनी है वो उसी आधार पे आनी थी कि 1 करोड़ जैसी ख़त्म होता है, वो अब आ रही है और वो आ गई है तो वो दिया जाएगा तो और तेज़ी चलेगा, मगर जो हमारा लक्ष्य था हमने उसके बेसिस में कार्य कर लिया था जून के महीने में। और देश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यूपी के नोएडा की, जहां बाजार के अंदर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर रहा। तो यहाँ आपको बताते चले कि लोगों में कोरोना संक्रमण का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ कोरोना संक्रमण का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अंकल भूल गया। आपको पता है कि तीसरी लहर आ सकती, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। लेके चले थे लेकिन वो गिर गया रास्ते में, वो वाला था कपड़े वाला था ना, वो वाला गिर गया, नहीं ब्लू वाला। आना बना रहे हो आप? नहीं अभी खरीद रहे जी, नया हमें खरीदना ही था मास्क वाला था। लगता है लापरवाही। और फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।